स्पाइडरवर्स की ओरिजिन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं ओरिजिन शेयर कर रहा हूं हर एक स्पाइडरमैन की। तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूं ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्पाइडरमैन इंडिया। एंड इस स्पाइडरमैन की ओरिजिन का जो मेन पार्ट है वो बाकी स्पाइडरमैन के ओरिजिन से बिल्कुल चेंज है। जैसे कि बाकी सभी स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने बाइट किया था तब वो स्पाइडरमैन बने थे, लेकिन स्पाइडरमैन इंडिया की स्टोरी में कुछ अलग है। एंड इसमें पीटर को कोई भी स्पाइडर बाइट नहीं करती, बल्कि उसे अपनी पावर्स मिलती हैं एक मिथिकल बाबा से। तो इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर है पवित्र प्रभाकर, अंकल बेन है अंकल भीम, एंड मेरी जेन है मीरा जेन, एंड नॉर्मन ऑसबर्न का नाम है नेलिन ओबरॉय। सो इस यूनिवर्स के सभी नाम इंडिया के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिए गए हैं। सो मैं ये पहले क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। स्पाइडरमैन इंडिया की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी जनवरी 2005 में कॉमिक दी स्पाइडरमैन इंडिया इशू 1 में। सो इशू की शुरुआत होती है पवित्र प्रभाकर के साथ, जो कि नींद से चिल्लाते उठता है एंड परेशान होकर बैठ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है अंकल भीम की, जो कि पवित्र से बोलते हैं कि क्या फिर से तुमने वही सपना देखा। तो पवित्र कहता है हाँ, मैंने फिर से वही सपना देखा जिसमें एक योगी बाबा उसे आकर उसके डेस्टिनी के बारे में बताता है। तो फिर अंकल भीम बताते हैं कि वो पहले गांव में रहते थे एंड करंटली पवित्र प्रभाकर का परिवार मुंबई रह रहा है, लेकिन इससे पहले वो गाँव में रहते थे जहाँ पर पवित्र प्रभाकर के ब्रिलियंट माइंड को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में आके पढ़ने की मुंबई में। एंड बाकी यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी पवित्र प्रभाकर के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मारे जाते हैं एंड उसके बाद अंकल भीम एंड माया प्रभाकर को पालकर बड़ा करती हैं। एंड फिर अंकल भीम कहते हैं कि अब तुम तैयार हो जाए क्योंकि आज तुम्हें पहले दिन कॉलेज जाना है। एंड इसके बाद पवित्र जाता है मुंबई के फाइनेस्ट कॉलेज में, बट उसके पहले दिन उसके गांव के कपड़ों के कारण कॉलेज के सभी स्टूडेंट उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं एंड उसे कंफ्यूज देसी कहकर उसकी इंसल्ट करते हैं। लेकिन तभी वहां पर आती है मीरा जेन, जो कि पवित्र को कहती है कि वो इन सभी की बातों पर ध्यान ना दे क्योंकि वो भी जब पहले दिन आई थी तो लोगों ने उसे भी बहुत कुछ बोला था, बट वो इन सबको सीरियसली नहीं लेती। एंड इस तरह पवित्र एंड मीरा के बीच दोस्ती हो जाती है एंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एंड अपना टाइम स्कूल में वो इकट्ठे स्पेंड करने लगते हैं। एंड इस तरह हम देखते हैं हम ओबरॉय इंडस्ट्री के बहुत बड़े एंड बहुत अमीर आदमी नीलन ओबरॉय को, जो कि एक बहुत ही क्रूल एंड घटिया आदमी है एंड अपने काम के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। एंड अभी फिलहाल तो वो एक एमुलेट के बारे में सोच रहा है एंड हर कीमत पे उस एमुलेट को हथियाना चाहता है एंड वो एमुलेट एक गाँव के अंदर कहीं पर छिपा हुआ है एंड ओबरॉय को वो हर कीमत पे चाहिए। तो इसलिए वो अपने गुंडों को कहता है कि मुझे वो एमुलेट लाके दो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तो फिर ओबरॉय के वो गुंडे वो एमुलेट हासिल करने के लिए पूरे गांव को आग लगा देते हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। एंड इस तरफ पवित्र प्रभाकर नदी किनारे बैठा रो रहा है क्योंकि अब उसके स्कूल के सभी लड़के उसे मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर करने लगे हैं। एंड तभी पीछे से आते हैं अंकल भीम एंड अंकल भीम पवित्र को समझाते हैं कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो एंड तुम्हें कुछ भी करने की शक्ति है एंड याद रखना बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एंड फिर रात को हम देखते हैं ओबरॉय बिल्डिंग को एंड ओबरॉय बिल्डिंग के अंदर नेलिन ओबरॉय एक हवन करवा रहा है क्योंकि फाइनली उसे वो एमुलेट मिल चुका है एंड उस एमुलेट का यूज वो हवन के दौरान करता है एंड उस एमुलेट के अंदर से निकलती है बहुत ही ब्राइट येलो लाइट एंड उस येलो लाइट के खत्म होते ही नेलिन ओबरॉय एक बहुत बड़े ग्रीन गोब्लिन में बदल जाता है एंड इस तरह बनता है इस यूनिवर्स का ग्रीन गोब्लिन, जो कि मेन यूनिवर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल एंड साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा था। एंड इस तरफ हम देखते हैं पवित्र प्रभाकर को, जो कि आज भी अपने कॉलेज के लड़कों से बचते हुए भाग रहा है एंड वो लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। एंड तभी एक योगी बाबा आकर प्रभाकर को अपनी तरफ खींच लेता है एंड उन बच्चों को डरा कर भगा देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये वही योगी बाबा है जो कि पवित्र प्रभाकर के सपनों में आता था। एंड फिर वो योगी बाबा पवित्र प्रभाकर को एक विजन दिखाता है जिसमें वो दिखाता है उसे एक ब्राह्मण एंड उसे बताता है कि उसका जन्म एक बहुत ही मेन मकसद के लिए हुआ है, बुराई को खत्म करने के लिए। एंड ये सब विजन देखने के बाद प्रभाकर बेहोश हो जाता है एंड जब उसे होश आता है वो अपने आप को पाता है गेटवे ऑफ इंडिया पे एंड वो सोचता है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा। एंड तभी वो देखता है कि उसने एक रेड कलर की कॉस्ट्यूम पहनी है एंड उसके हाथ में एक अजीब सा मास्क है। एंड फिर प्रभाकर को अपने अंदर कुछ पावर्स फील होती है एंड वो उस मास्क को पहन लेता है एंड इस तरह वो बनता है स्पाइडरमैन। एंड इसके बाद वो दीवारों पे चढ़ के अपनी पावर्स को टेस्ट करता है एंड इसके बाद अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए मुंबई की गलियों में स्विंग करता है। एंड इधर एक लड़की को कुछ गुंडे लूटने वाले होते हैं एंड वो लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी पीछे से आता है अंकल भीम एंड वो लड़की अंकल भीम को अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है एंड वो गुंडे कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बट अंकल भीम फिर भी नहीं जाते एंड वो उस लड़की को बचाने की कोशिश में मारे जाते हैं। एंड इस तरफ स्पाइडरमैन को अंकल भीम की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो जब गली में जाकर देखता है तो उसके अंकल भीम मर चुके हैं एंड वो उस लड़की से पूछता है कि ये सब किसने किया एंड वो लड़की बताती है कि ये सब कुछ उन गुंडों ने किया एंड वो उस तरफ गए हैं। तो पवित्र प्रभाकर गुस्से में उनका पीछा करता है एंड देखता है कि वो सब गुंडे ऑटो में जा रहे थे एंड वो एक किक मार के उन सभी गुंडों को ऑटो से बाहर
फेंक देता है एंड उन सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। एंड उनमें से एक गुंडा अपनी जान की भीख मांगने लगता है, ये कहते हुए कि उसका एक परिवार है, जिसपे पवित्र बोलता है कि जिस आदमी को तुमने मारा उसका भी एक परिवार था। एंड पवित्र उन गुंडों को मारने वाला होता है कि तभी उसे अपने अंकल बैन के बोले हुए लफ्ज याद आते हैं, तो फिर वो उन्हें अपने वेब में बांध कर पुलिस के लिए वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एंड फिर वो काफी हाइट पे जाकर बैठकर अकेला रोता है एंड बहुत ज्यादा पछताता है। एंड फिर स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर पवित्र अपनी पावर्स को चेक कर रहा था, तभी उसने उस लड़की को एंड उन गुंडों को देखा था जब वो गुंडे उस लड़की को लूटने वाले थे, लेकिन प्रभाकर ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने ये सोचा कि ये पुलिस का मैटर है, वो इसमें क्यों पड़े। एंड अगर उसने उस लड़की को बचा लिया होता अपनी पावर्स का यूज करते हुए, तो आज उसके अंकल भीम भी जिंदा होते। एंड उसी से बात का बहुत पछतावा था एंड वो कसम खाता है कि वो अपनी पावर्स का यूज लोगों के भले के लिए करेगा एंड दोबारा ऐसा किसी के साथ भी नहीं होने देगा। एंड इस तरफ हम देखते हैं नीलिन ओबेरॉय को, जो कि अपने पावर्स पे कंट्रोल करना सीख रहा है एंड वो फाइनली गोब्लिन से दोबारा ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इसके बाद गोब्लिन उसके अंदर से बोलता है कि अभी उन्हें एक लड़के को मारना पड़ेगा जिसका नाम है पवित्र प्रभाकर, क्योंकि उसे मिली है पावर्स एक स्पाइडर बाबा से जो कि हम सबको खत्म करना चाहता है एंड हमें यहाँ पे राज नहीं करने देना चाहता। एंड इसके बाद नीलिन ओबेरॉय अपने लैब के डॉक्टर ऑक्टेवियस को पवित्र प्रभाकर को पकड़ने का काम देता है, तो डॉक्टर ऑक्टेवियस पूछता कि आखिर वो इतने कॉमन लड़के के पीछे क्यों पड़ा है। सो नीलिन ओबेरॉय इस बात का जवाब ना देते हुए उस एमुलेट को यूज करता है डॉक्टर ऑक्टेवियस के ऊपर एंड उसे एक छह हाथों वाले डीमन में ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड पवित्र प्रभाकर को पकड़ने भेज देता है, लेकिन पवित्र प्रभाकर डॉक्टर ऑक्टेवियस से काफी स्ट्रॉन्ग था एंड वो उसे हरा देता है एंड डॉक्टर ऑक्टेवियस को खाली हाथ वापस लड़ना पड़ता है, जिसपे नीलिन ओबेरॉय को बहुत गुस्सा आता है एंड ऑक्टेवियस ओबेरॉय से कहता है कि वो उसे वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर दे, लेकिन नीलिन उसे वहीं पर जान से मार डालता है। एंड इसके बाद ओबेरॉय प्रभाकर को मारने के लिए मीरा जेन एंड आंट माया को उठा लेता है एंड अपनी फैसिलिटी में ले जाता है एंड प्रभाकर भी उनके पीछे जाता है एंड वो देखता है कि ग्रीन गोब्लिन उसकी आंट माया एंड मीरा जेन दोनों को नीचे गिरा देता है एंड प्रभाकर भागकर पहले अपनी आंट माया को बचाता है एंड उसके बाद वो मीरा जेन को बचाने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अभी मीरा जेन नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर कोई आकर उसे बचा लेता है। एंड फिर हम देखते हैं कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टेवियस था, जो कि जिंदा बच गया था एंड अभी वो ग्रीन गोब्लिन से अपनी मौत का बदला लेने आया है। लेकिन ग्रीन गोब्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो एक ही झटके में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर ऑक्टेवियस को वहीं पर मार डालता है। एंड इधर प्रभाकर अपना मास्क उतारते हुए मीरा को बताता है कि वही स्पाइडरमैन है एंड अब वो उसकी आंट माया को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। एंड फिर प्रभाकर ओबेरॉय से फाइट करने निकल पड़ता है एंड ओबेरॉय स्पाइडरमैन को दिखाता है वो एमुलेट एंड उस एमुलेट को वो स्पाइडरमैन के गले के साथ लगा देता है। एंड इसके बाद उस एमुलेट के अंदर से वेनम जैसा एक सिंबियट निकलता है, जो कि प्रभाकर को कहता है कि वो उसे अपनी बॉडी दे दे एंड वो इन सबको मार डालेगा। लेकिन तभी प्रभाकर को अपने अंकल बेन के कहे हुए शब्द याद आते हैं एंड उन्हीं का यूज करते हुए वो उस वेनम जैसे सिंबियट से बाहर निकलता है एंड इसके बाद वो ग्रीन गोब्लिन पे अटैक करता है एंड उसके गले से उस एमुलेट को निकाल कर फेंक डालता है, जिसके कारण ग्रीन गोब्लिन वापिस से नीलिन ओबेरॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर प्रभाकर उसे जेल में डाल देता है। एंड इसके बाद प्रभाकर एंड मेरी जेन दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड इसके बाद पवित्र प्रभाकर अपनी आंट माया के साथ दिवाली मनाता है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद पवित्र प्रभाकर से मिलने आता है सुपीरियर स्पाइडरमैन, जो कि उसे मल्टीवर्स के बारे में बताता है एंड उसे अपने साथ मल्टीवर्स में ले जाता है। एंड पवित्र प्रभाकर फिर स्पाइडरवर्स के साथ साथ दी वेब वॉरियर का भी एक हिस्सा बनता है, जहां पर वो स्पाइडर यूके के साथ मिलकर मल्टी डायमेंशनल थ्रेड्स को रोकता है। एंड फिर पवित्र प्रभाकर को पता चलता है कि वो एंड बाकी के सभी स्पाइडरमैन मेन यूनिवर्स यानी कि 616 के पीटर पार्कर के कॉपीड वर्जन है एंड उनकी स्टोरी बिल्कुल उसी की तरह है एंड वो असली है एंड ये सब नकली। एंड ये सब सोच के पवित्र बहुत परेशान होता है, तभी वहां पर आता है स्पाइडर यूके, जो कि उसे बताता है कि हम सब में अपनी अपनी काबिलियत है एंड हम सब अपनी अपनी दुनिया में बहुत स्पेशल है एंड कोई किसी की कॉपी नहीं है। एंड इसके बाद पवित्र प्रभाकर उठता है एंड उनके साथ मॉर्लोन की पूरी फैमिली के साथ फाइट करता है एंड स्पाइडरवर्स का खतरा टलने के बाद प्रभाकर वापिस आता है अपनी दुनिया में एंड मुंबई को प्रोटेक्ट करता है मल्टीपल डेंजरस थ्रेट से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन ऑफ स्पाइडरमैन इंडिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगले किस स्पाइडरमैन की ओरिजिन आप जानना चाहते हैं बी श्योर टू कमेंट बिलो और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पे मैं वीडियो बना पाऊँ। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।